नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। अब नाव पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति ओलोंद के साथ अनोखे अंदाज में गुफ्तगू करने वाले हैं। मोदी शुक्रवार को पेरिस के बीच से बहने वाली ला सियन नदी में ओलोन के साथ नाव पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता असैन्य परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और कारोबार क्षेत्र में आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद गंडोले की सैर करेंगे। मोदी तीन देशों की अपनी 9 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में फ्रांस जा रहे हैं। इसके बाद वह जर्मनी और कनाडा भी जाएंगे। अमित शाह बोले, एलपीजी सब्सिडी छोड़े सभी भाजपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को दोहराते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर तत्काल त्यागने को कहा। शाह ने अपने पत्र में पार्टी नेताओं से कहा कि एलपीजी सब्सिडी त्यागने के बाद उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय या अपने निकटतम एलपीजी को इसकी सूचना देनी चाहिए। अशोक खेमका विजल ब्लोअर कहे जाने से नाराज। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने विजल ब्लोअर कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने वही किया जो लोक सेवक होने के कारण उनसे अपेक्षित था। 49 वर्षीय खेमका ने अपने नवीनतम ट्वीट में कहा कि विजल ब्लोअर कहा जाता है तो पीड़ा होती है। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि उन्होंने केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। मैंने वही किया जिसकी एक लोक सेवक होने की वजह से मुझसे अपेक्षा की जाती है।